केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट इस सीआरपीएफ के अंतर्गत नौकरी करने के इच्छुक है और इसमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और काफ़ी बाकी पुलिस बल से काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर करें। ये सीआरपीएफ सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स ये हमारी अर्ध सैनिक बल जो कि आर्मी के बाद इसी का नंबर है, जैसे कि स्टेट में पुलिस फोर्स होती है तो केंद्र में ये सीआरपीएफ होती है। इसका पेमेंट और इसका बाकी पूरी जो सुविधाएं हैं काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक सीआरपीएफ के अंदर कभी अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई करें और इसमें अभी से मेहनत करना शुरू करें। ये सीआरपीएफ के बारे में ज़्यादा जानकारी इस प्रकार है, ये 10वीं पास और 12वीं पास से लेकर के यूजी डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की 789 रिक्तियाँ निकाली हैं। इसके साथ ही इसके जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो 31 अगस्त 2020 या इससे पहले इसका जो निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन भर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है यानी एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर 2020 को निर्धारित है। अभी तक के जानकारी के अनुसार इसका टेस्ट 20 दिसंबर 2020 में ही होगा। इसका ज़्यादा जानकारी इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है crpf.gov.in पर जा करके भी आप चेक कर सकते हैं। और पेमेंट की बात करते हैं तो उसका पेमेंट अलग अलग रैंकों में पेमेंट अलग अलग है। इसका पेमेंट 1.42 लाख या 1,42,000 रुपये प्रति माह तक निर्धारित है। उम्मीदवार को एप्लीकेशन भरने से पूर्व ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि वह सभी शैक्षिक योग्यता आयु शारीरिक मानकों को पूरा करता है तो आप संतुष्ट हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जो योग्य उम्मीदवार हैं इसके जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपियाँ DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बंगरासिया तालुक हजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP 462045 पते पर 31 अगस्त 2020 से पहले या 31 अगस्त 2020 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके जो लिफाफा है उसके ऊपर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2020 लिखा जाना जरूरी है, काफ़ी अच्छा है। और पदों का विवरण इस प्रकार है, ये इंस्पेक्टर डाइटिशियन 1, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स 175, सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर 8, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पैरा फार्मासिस्ट 84, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपी 5, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन 4, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन 64, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन 1, हेड कॉन्स्टेबल फिजियोथेरेपी नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल 88, हेड कॉन्स्टेबल ANM मिडवाइफ 3, हेड कॉन्स्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन 8, हेड कॉन्स्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट 84, हेड कॉन्स्टेबल लैब असिस्टेंट 5, हेड कॉन्स्टेबल इलेक्ट्रीशियन 1, हेड कॉन्स्टेबल स्टीवर्ड 3, कॉन्स्टेबल मसालची 4, कॉन्स्टेबल कुक 116, कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी 121, कॉन्स्टेबल धोबी 5, कॉन्स्टेबल 3, कॉन्स्टेबल टेबल बॉय 1, हेड कॉन्स्टेबल वेटनरी 3। कुल पद हैं 789 यानी 789 पद हैं और काफ़ी अच्छा है। इसका जो मिनिमम एज रखी गई है 18 वर्ष, एज है इसकी 18 वर्ष के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ
आप यदि इसमें ज़्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो आप इसके जो crpf.gov.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा दिया हुआ है और पूरा विवरण पढ़ते हुए और पता लगाते हुए इसमें आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर एप्लीकेशन भरेंगे और इसमें सक्सेस होंगे। थैंक यू, बाय बाय।